न्यूज फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताजा समाचार। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार थाने के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। कुछ दिन पहले हुई वारदात में फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें एक काले रंग की कार का प्रयोग किया गया था। इसकी तस्वीरें क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इस आरोपी को प्रीत विहार थाने की पुलिस ने आज पकड़ लिया। पुलिस द्वारा पकड़े गए इस आरोपी का कहना है कि वह इस वारदात में शामिल नहीं था, उसे तो वारदात को अंजाम देने के लिए धमका कर लाया गया था। जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मिताइल, मिताइल क्या क्यों क्या किया था आपने इसे जो आपको पुलिस पकड़ कर ले गई? मैं घर के बाहर खड़ा हुआ था, ये दोनों आए मुझे लेके गए, अपने साथ गाड़ी में बिठाया और मंडा में ले गए और बोला सर में पिस्टल रख के बोला कि इसे मार वरना मैं ये जान से मार दूंगा। तो आपने फिर मारा उन लोगों को? दो चार थप्पड़ मारे। आरोपी का कहना है मैं तो मेमोज बेचकर अपना गुजर बसर करता हूँ। वहीं पुलिस अब आरोपी के बताए अनुसार पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुट गई है। न्यूज फॉर सिटी के लिए जगजीत सिंह के साथ रवि डालमिया की रिपोर्ट।